आज के इस वीडियो में थोड़ा सा एडवांस जाने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मास ट्रांजिशन कैसे करते हैं। सो हाय गाइस, मेरा नाम है शोभित एंड वेलकम टू एडिटिंग एडिशन। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा एडवांस जाने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मास ट्रांजिशन कैसे करते हैं। तो आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमने फोल्डर में एक वीडियो लेकर रखी है, जिसके अंदर आप पहले देख सकते हो। एक कैडबरी का एक ऐड है, मैं इसको जस्ट इम्पोर्ट कर रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट के अंदर। आप कंपोजिशन सेटिंग देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर जस्ट वही ड्यूरेशन 5 सेकंड्स रखी है, फ्रेम रेट 30 एंड हाइट बिट आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। सो ओके, इसे हम करते हैं यहाँ पर इंपोर्ट। अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सीन सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रिम वगैरह जो भी आप करते हो। मुझे दो सीन्स चाहिए इसमें जनरली, एक वीडियो जो स्टार्टिंग में हमारी फर्स्ट क्लिप रहेगी एंड सेकेंड जो मास्क करके ट्रांजिशन हमारा आएगा वो वाली। ए फ्यू मिनट्स लेटर, सो दो क्लिप्स हमारी अब रेडी हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट क्लिप का साउंड हम बंद कर देते हैं एंड सेकेंड क्लिप ये वाली। अब जस्ट हमें इसे स्लो करना है। स्लो करने के लिए हम इफेक्ट यूज़ करेंगे ट्विक्स्टर प्रो, जिसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमारी क्लिप्स लगभग रेडी हैं। ये फर्स्ट वीडियो को हम स्लो कर चुके हैं, सेकेंड वीडियो को भी। जैसे आपको यहाँ पर दो क्लिप्स कोई भी इंपोर्ट करना है एंड इसे करते हैं प्री कम्पोज। फर्स्ट क्लिप को मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट सी प्री कम्पोज एंड सेकेंड को भी प्री कम्पोज करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट सी एंड ये वाला मार्क हमेशा होना चाहिए। ओके, आखिरी से हम थोड़ा सा इसको ट्रिम करते हैं, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अभी जस्ट यहाँ पर दो नॉर्मल से हमने क्लिप्स रख के रखी हैं, अब क्या करना है हमको सेकेंड चीज़, यहाँ पर एक मार्कर लगा लेते हैं। अब जो सेकंड वाली हमारी लेयर रहेगी उसे हम जस्ट हमें करना है कंट्रोल डी, ये कॉपी हो जाएगा। आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी कैसे कर सकते हो, मैंने इसे जस्ट कॉपी किया है। अब करते हैं इसे राइट क्लिक टाइम एंड फ्रीज फ्रेम, इससे क्या होगा आपकी जो क्लिप की फर्स्ट जो फ्रेम है वो पूरी कॉपी हो जाएगी लास्ट तक। इसे हम थोड़ा सा आगे प्लेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी एंड ये। मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ऐसा कुछ दिख रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ तक पूरी वीडियो स्टिल है हमारी एंड यहाँ पर आके प्ले हो रही है। अब यहाँ पर कर दें थोड़ी सी मास्किंग, इसके लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे उसका नाम है पेन टूल। आप इसे रोटो ब्रश से भी कर सकते हैं, पर मैं इसे पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ। कि हमारी मास्किंग डन है, आप देख सकते हो हमारी जो फोटो है अलग आ चुकी है, यहाँ पर नॉर्मल वीडियो एंड यहाँ पर फोटो है। हमें इसमें ऐसा कुछ दिखाना है कि जो हमारी फोटो है वो नीचे से ऊपर के साइड आएगी एंड देन तुरंत वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें इसमें करना है, आप तीन चीज़ों से आप इसे पोजीशन दे सकते हो, एक नॉर्मल पी दबा के पोजीशन इसे कर सकते हो या फिर नल ऑब्जेक्ट से भी आप कर सकते हो, पर उसमें ब्लर मोकअप्स यूज़ कर रहा हूँ। एक इफेक्ट है इसका नाम है ब्लर मोकअप्स, इसे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हमें लास्ट फ्रेम पर जाना है, यहाँ पर हम शिफ्ट वाई को करेंगे की फ्रेम ऑन एंड स्टार्टिंग में जाके हमें इसे करना है नीचे के साइड। मैंने 870 यहाँ पर वैल्यू रखी है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे आ रहा है। अब इसे करते हैं ग्राफ चेंज, प्रेस यू। अब इन दोनों को की फ्रेम को सेलेक्ट करके हम F9 दबाते हैं। अब हमें इस पर स्पीड ग्राफ पर वर्क करना है, वैल्यू पर करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बन जाएगा, इसलिए स्पीड ग्राफ यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ग्राफ हमारा कुछ रहेगा इस टाइप का, ये ठीक लग रहा है मुझे। आपको थोड़ा फास्ट चाहिए तो आप वैल्यू ग्राफ इसमें यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ये ठीक लग रहा है। जी हमारा ट्रांजिशन तो अब बन चुका है, पर हमें कुछ चीज़ें इसमें करना पड़ेगा स्मूथनेस दिखाने के लिए। तो यहाँ पर एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं, लेयर न्यू एडजस्टमेंट लेयर, कंट्रोल शिफ्ट डी, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब यहाँ पर हम एक शेक डालेंगे, इसका नाम है ट्विच शेक। ये भी इनबिल्ट नहीं आता है, आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है।
तो यहाँ पर हम सेंटर में इसकी वैल्यू रखेंगे 100, स्पीड रहेगी 20। इनेबल में जाके आपको ब्लर, लाइट एंड स्लाइड तीनों को ऑन करना है। यहाँ पर एक जो सेंटर में हम जाने यहाँ पर की फ्रेम लगाया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 रहेगी, एंड जहाँ से हमें इफेक्ट स्टार्ट करना है वहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रहेगी, एंड एंड में भी थोड़े से आगे जाके हमें इसको 0 करना है। आप यू प्रेस करके देख सकते हो, यहाँ पर आपको की फ्रेम्स दिख जाएंगे। ने मिडल में से 100 रखा है, स्टार्टिंग में 0 एंड एंड में भी 0। अब इन तीनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करते हैं, प्रेस F9 एंड अब हमें वैल्यू ग्राफ खोलना है। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखना, आप जब भी कोई भी शेक लगाते हैं वहाँ पर वैल्यू ग्राफ ही हमें यूज़ करना है स्पीड से, क्योंकि हमें स्मूथनेस में बिल्कुल नहीं चाहिए होती शेक में। अब ग्राफ हम इसमें कुछ इस टाइप का बनाते हैं। ग्राफ आपको सेम रखना है वरना वो शेक आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। अब शेक परफेक्ट लग रहा है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी शेक लगाते हो यहाँ पर हल्का सा ब्लैक ब्लैक सा टोन साइड में दिखता है, तो इसको फिक्स करने के लिए हमें एक इफेक्ट हो रहा था जिसका नाम है मोशन टाइल, इसे हम यूज़ करते हैं। इसकी हाइट रहेगी 200, विड्थ भी 200 एंड मिरर एजेस को आपको ऑन करना है। अब इसे हम प्लेस करेंगे ट्विच के ऊपर। अब जो भी गैप्स वगैरह थे सारे फिल हो चुके हैं, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। परफेक्ट। अब इसमें हम डालते हैं लेंस ब्लर, यहाँ पर गामा रहेगा 400 एंड हमें आयरिस की वैल्यू इसको रखना है 30 सेंटर में। वही स्टार्टिंग में हमें सेम चीज करना है, स्टार्टिंग में 0 एंड एंड में 0। SU एंड यहाँ पर ग्राफ ऑलमोस्ट सेम रहेंगे सबके, जैसा शेक का था वैसे हमें लेंस ब्लर का भी डालना है। देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा इसमें हमारा ट्रांजिशन कंप्लीट है। हमें कुछ चीज़ का ध्यान रखना है, इसे और अच्छा बनाने के लिए आप इसे थोड़ा सा आप ब्लैक एंड वाइट रख सकते हो। यूएन सेचुरेशन में जाके मैं कर रहा हूँ उसको सेचुरेशन पूरा सा कम, जो क्या ब्लैक एंड वाइट। सब यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट एक फ़ोटो ऊपर आएगी एंड जस्ट उसके बाद वो वीडियो कलर हो जाएगी पूरी। ये एडिटिंग के अंदर काफ़ी अच्छा लगता है। ट्रांजिशन तो हमारा कंप्लीट है, पर हम कुछ इफेक्ट यूज़ करके इससे ज़्यादा स्मूथ हम दिखा सकते हैं। सब मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ब्लर मोकस, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एंड में जाके हमें की फ्रेम लगाते हैं जेड डिस्ट का, एंड स्टार्टिंग में, एंड में हम थोड़ा सा जूम करेंगे एंड आप ये इसकी वैल्यू चेंज करोगे तो इसका अलाइनमेंट हल्का सा ऐसे बीच में रखना है। एंड स्टार्टिंग में जहाँ से भी हमें इफेक्ट स्टार्ट करना है वहाँ पर इसकी वैल्यू रहेगी 1। हम यू प्रेस करते हैं, यू से हमारे सारे की फ्रेम शो होते हैं। इसको किया सेलेक्ट F9 एंड ग्राफ, ग्राफ हमें हल्का सा इस टाइप का रखना है, वैल्यू ग्राफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा जूम हो रहा है, ठीक है। इसका मोशन पर स्टार्ट करते हैं सबका। अब सेम चीज़ हम यहाँ पर भी एक यूज़ कर सकते हैं लर्मो कप्स का, प्रेस यू एंड वही सेम वैल्यू ग्राफ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब ऑलमोस्ट हमारा इफेक्ट कंप्लीट है, देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ लग रहा है अभी। वह एक चीज़ का हम इसमें और कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक इफेक्ट डालेंगे ड्रॉप शेडो, जिससे कि हल्का सा 3D वाला लुक इसमें दिखने वाला है। हमने ऐड किया ड्रॉप शेडो, जो हमारी ये एक मास्किंग वाली लेयर है हम उसमें ड्रॉप शेडो यूज़ करना है। इसकी वैल्यू ऑपोजिट रहेगी 100, डायरेक्शन 0, डिस्टेंस 0 एंड सॉफ्टनेस लगभग हम 200 से रख सकते हैं। हाँ परफेक्ट। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आपको इसमें जो भी एड ऑन करना आप इसमें कर सकते हो, चाहे आप ग्लो डाल सकते हो या फिर जो भी इफेक्ट आप इसमें एड ऑन अलग से करना चाहते हो वो अच्छा लगेगा। इसका आउटपुट मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।